अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टू ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 बच्चों, लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन दिया गया था, और लास्ट टाइम मिस्टर व्हाट इज गुड फूड तक आपको पढ़ा दिया था। बच्चों आज हमारा टॉपिक है स्लीप एंड रेस्ट, एंड सेकंड टॉपिक है स्टेइंग सेफ। तो मैं टॉपिक रीड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी अगर आपको इन दो टॉपिक्स में बात समझ में ना आए तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टू स्टार्ट, स्लीप एंड रेस्ट यानी कि सोना, स्लीप यानी कि सोना एंड और रेस्ट आराम करना। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। बच्चों आप लोगों के जिस्म और आपका जो दिमाग होता है उसको ज़रूरत होती है रेस्ट की यानी कि आराम करने की। व्हेन वी स्लीप वेल वी फील रिफ्रेश्ड। जब आप सोएंगे तो आप सोने के बाद फ्रेश फील करेंगे। एंड 8 years old usually need about 10 hours of sleep every night। जो 8 साल तक के बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है 10 घंटे तक, हर रात को 10 घंटे सोने की। If you do not get enough sleep, your body and your brain can be affected. You might feel grumpy and unable to concentrate and not have much energy। जब बच्चों आप रात में 8 से 10 घंटे नहीं सोएंगे तो आप जब सोकर उठेंगे तो आप ना ही फ्रेश फील करेंगे और आपको जो बॉडी और ब्रेन होगा वो अफेक्टेड होगा, असरअंदाज होगा। यू माई फील और आप कभी भी बेटर फील नहीं करेंगे, ना ही आपको किसी भी काम के अंदर कंसंट्रेट होगा, ना ही आपके अंदर एनर्जी होगी। अंडरस्टैंड। सेकेंड टॉपिक है स्टेइंग सेफ। द वर्ल्ड अराउंड अस इन अ प्लेजेंट प्लेस। बच्चों जिस तरीके से दुनिया एक खुशगवार जगह है, बट इट कैन बी डेंजरस टू, लेकिन ये एक डेंजरस भी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। बच्चों हमें ये बात अहम है और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर काम करने से पहले हम केयरफुल हो जाएं, यानी कि जो भी काम करें केयरफुली करें। एंड थिंक बिफोर वी एक्ट। और हमें ये सोचना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल फायरवर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक। जिस तरीके से ये बच्चा एक चिंगारी जला रहे हैं, ये जो आग निकली थी जिस तरीके से आग अच्छी है, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकती है, इसके ज़रिए आपको बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती हैं। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम। जिस तरीके से आप अपना ज़्यादातर टाइम घर पर इन स्कूल्स में, ऑन योर स्ट्रीट और अपनी गली में, और एट द प्लेग्राउंड और प्लेग्राउंड में गुजारते हैं। लेट अस लुक एट द डेंजर इन दिस प्लेस। और जिस तरीके से ये जगहें खुशगवार हैं, इसी तरीके से ये जगहें डेंजरस भी साबित हो सकती हैं। ये आज के हमारे बच्चों 2 टॉपिक्स थे। उम्मीद है आपको ये 2 टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इन 2 टॉपिक्स में आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।